हेलो स्टूडेंट्स, चैनल डाउट हट में आपका स्वागत है। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। जी हाँ, कक्षा 5वीं और 8वीं के बच्चों के लिए। विशेषकर आप सब बच्चों के मन में कई दिन से कन्फ्यूजन चल रहा था कि परीक्षा होगी या नहीं, और परीक्षा होगी तो किस सत्र पर होगी, विद्यालय लेगा या बोर्ड। तो आज आपका यही कन्फ्यूजन दूर करेंगे। जहाँ RTE एक्ट के अनुसार पहले 5वीं और 8वीं क्लास के बच्चों को परीक्षा में फेल नहीं किया जा सकता था, उन्हें हर हाल में अगली क्लास में प्रमोट करना ही पड़ता था, लेकिन अब बच्चों ये नियम बदल चुका है। जी हाँ, सरकार ने संशोधन कर दिया है, और इस संशोधन को सरकार ने कहा है निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम संशोधन 2022। जी हाँ, अधिनियम 2011 में संशोधन कर दिया है इसको, अब अधिनियम 2022 कहा जाएगा। अब इस संशोधन के बाद 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों की परीक्षा होगी। जी हाँ, 5वीं और 8वीं कक्षा के बच्चों को परीक्षा देनी पड़ेगी, और ये परीक्षा हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड लेगा या किसी एजेंसी से करवाएगा। जी हाँ, किसी प्राधिकृत एजेंसी से। और बच्चा उसमें अगर फेल हो जाता है तो उसको फिर 2 माह बाद दोबारा से परीक्षा देनी होगी, और उस परीक्षा में भी अगर वो फेल हो जाता है तो फिर उसे अनुत्तीर्ण मान लिया जाएगा और उसे उसी कक्षा में रहना पड़ेगा, उसे फेल कर दिया जाएगा। फेल होते हैं तो उन्हें फेल ही माना जाएगा। सबसे जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकल के सामने आ रहा है उसमें सरकार ने क्लियर कर दिया है कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी। जी हाँ, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है अभी 4 फरवरी को, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 8वीं की बोर्ड की परीक्षा होगी और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड वो परीक्षा लेगा, लेकिन 5वीं कक्षा की परीक्षा नहीं होगी। जी हाँ, 5वीं को छोड़ दिया गया है, लेकिन 8वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा लेगा, और इसके लिए इनरोलमेंट भी 15 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा, 4 फरवरी 2022 को सरकार की तरफ से जो लेटर जारी हुआ है जिसमें स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि 8वीं की परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जाएगी। तो आप सब बच्चे अपनी तैयारी को जारी रखें और परीक्षा के लिए तैयार हैं, क्योंकि अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा है, 8वीं क्लास की बोर्ड की परीक्षा होगी, और शिक्षा बोर्ड की तरफ से 8वीं कक्षा का जो सिलेबस और पेपर स्टाइल है वो सब कुछ अपलोड कर दिया गया है। वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप अपना सिलेबस और पेपर स्टाइल जो पैटर्न है वो देख सकते हैं और अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।